जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के धर्मपुर गांव के दलित बस्ती में विद्युतीकरण का कार्य अधूरा होने के कारण सुरेश सहित 350 लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांव की समस्या है, बिजली नहीं है हमारे गांव में। क्यों नहीं है? बस ये भेदभाव जात पात लेकर हमारे गांव में प्रधान लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी इधर उधर आनाकानी करते हैं। हम तो प्रधान के यहाँ प्रयास किया और प्रधान को पैसा भी दिया, लेकिन प्रधान भी नहीं लाइन लगवाए। 5-6 साल के बाद पैसा फिर रिटर्न कर दिए। तो जैसे आपके गांव की जो बिजली की ज़रूरत है, ये सब कैसे पूरा होता है, कहाँ पे? वो बगल में यादव बस्ती, वहाँ पे जाते हैं और बाज़ार में दुकान है, वहाँ पे जाते हैं। मोबाइल भी चोरी हो जाती है, बैटरी भी चोरी हो जाती है। हमारे सबका समस्या हमारे गाँव की ये है कि न लड़कियाँ पढ़ लिख पावत हैं, बिना दिया बत्ती के बिजली ना ही है। दूसरे 4-5 मोबाइल एक घर में यूज करे वाले हैं सब बिटिया पतो, और बहुत पैसा गिरा था, सब 5 रुपया एक मोबाइल के लेते हैं। और 4-5 बत्ती जला था, वो यूज कर वो 5 रुपया लगा था। बिजली लगे बिना कहीं के उसे प्रयास करे रहे ना सब? हाँ, हम प्रयास करे रहे। जौन है कि जेके पैसा दे ओकर बदली हो गया, अगल बगल सकतो बिजली बत्ती हो गई। खाली हरजन बस्ती में ना आएगा, पटेल बस्ती में आ गए, और गांव में आ गए, लेकिन खाली हरजन बस्ती के बिजली ना आएगा। लेकिन का हरजन बस्ती ऐसा ना खराब की बिजली बत्ती ना आ सका, तो काहे कि नहीं आवाता। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस गांव का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि जौनपुर जिले के अधीक्षक अभियंता के मोबाइल नंबर 94-15-22-10-00 पर कॉल करके आप हमारी मदद करें। मैं उषा पटेल, जौनपुर जिला के उत्तर प्रदेश इंडिया नहर के लिए।